हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। और ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है एज फार एज कंसर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, चाहे नीट पीजी हो, जीपेट हो या नाइपर हो और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो, सभी में ये इंपॉर्टेंस रखती हैं। ओके, सो ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स जो है वो डिस्कवर की गई थी पेनिसिलिन के अगेंस्ट में, जो भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया था तो उनके अगेंस्ट में एंटीबायोटिक्स जो है वो डिस्कवर की गई हैं। ठीक है, सो सबसे पहले जो इन 1956 में इसका फर्स्ट कंपाउंड आया था, इन 1956 द फर्स्ट कंपाउंड केम एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड इज वैंकोमाइसिन। सो देखते हैं ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स का क्या क्लासिफिकेशन है। ओके, सो लुकिंग ऑन द क्लासिफिकेशन, the first compound from this category is vancomycin, then second one is teicoplanin, third compound is telavancin, then delbavancin, and the last compound is ऑरिटावैंसिन। ओके, सो बहुत आसान है इन सभी को लर्न करना। तो ये जो फर्स्ट कंपाउंड था इट वाज डिस्कवर्ड इन 1956। तो इसको देखिए कैसे हम लर्न करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, आप इसको बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं। हम अज्यूम करके चलते हैं ये हमारे पास में वैन है, दिस इज वैन। ओके, सो ये जो वैन है इस वैन से जो है माइस जा रहा है, इस वैन से क्या हो रहा है, माइस वैंकोमाइसिन। सो इस वैन से कौन जा रहा है, माइस जा रहा है। क्लियर, कहां जा रहा है, वैन इट इज ट्रेवल, वैन ट्रेवल टू तेलंगाना दिल्ली एंड उड़ीसा। ओके, सो आप इससे लर्न कर सकते हैं कि वैन जो है माइस को लेकर कहां जा रही है, तेलंगाना उड़ीसा एंड दिल्ली। तो इससे आप लोगों को कंपाउंड याद हो जाएगा, वैन फॉर वैंकोमाइसिन, माइस को लेकर जा रही है, ट्रेवल मींस टाइकोप्लानिन। ओके, एंड तेलंगाना मींस टेलावैंसिन, दिल्ली मींस डेल्बावैंसिन एंड उड़ीसा मींस ऑरिटावैंसिन। तो इस तरह से आप इसको कंपाउंड्स को लर्न कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लुकिंग ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, सो बेसिकली दे आर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। सो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आप लोगों को पहले जब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की मैकेनिज्म समझाई थी वहां पर समझा चुका हूं, तो यहां मैं आपको सजेशन भी दे रहा हूं, तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। ओके, नाउ लुकिंग इन ब्रीफ कि इस किस तरह से वैंकोमाइसिन जो है सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, यहां पर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया उनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकॉन्स की लेयर्स होती हैं। सो ग्लाइको जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनके अंदर नैम और नैक की स्ट्रक्चर्स होती हैं। सो नैम एंड नैक आपस में कनेक्टेड रहते हैं। नैम जो है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है एंड नैक इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, तो ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। सो नैम से जो है हमारे पास में पेंटापेप्टाइड रहता है। ओके, सो एल एलानिन डी ग्लूकोसामिन, एल लाइसिन डी एलानिन एंड डी एलानिन। सो डी एलानिन एंड डी एलानिन जो है हमारे पास में बैक्ट्रोप्रिनोल यूनिट है। डीएलएनएन हमारे पास में क्या है, बैक्टो, दिस इज व्हाट अ बैक्टोप्रिनोल यूनिट, ट्रोप्रिनोल करियर यूनिट है, दिस इज बैक्टोप्रिनोल करियर यूनिट है। अब यहां पर वैंकोमाइसिन बेसिकली क्या होता है, दे आर इंटरकनेक्टेड नैम से। नैम जो है यहां पर जब पेप्टिडोग्लाइकान की लेयर्स बनती हैं तो ये एल लाइसिन जो है थ्रू ग्लाइसिन 5, जहां पर पेंटा जो ग्लाइसिन 5 के थ्रू जो है इससे कनेक्टेड रहता है।
तो अब यहां पर जो है वैंकोमाइसिन कहां पर अटैक करता है, वैंकोमाइसिन अटैक करता है दिस पॉइंट पर, वैंकोमाइसिन इस पॉइंट को क्या कर देगा, अलग कर देगा, मींस वैंकोमाइसिन इस डीएलआर सीक्वेंस को अलग नहीं होने देता है, ओके सो अगर ये इससे अलग नहीं होगी सो दे आर नॉट एबल टू मेक अ ट्रांसपेप्टिडेशन इनका नहीं हो पाएगा, अगर ट्रांसपेप्टिडेशन नहीं होगा तो सेल वॉल का सिंथेसिस इनहिबिट होगा, ओके सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वैंकोमाइसिन और वी कैन से ग्लाइकोपेप्टाइड, जो इसकी और दूसरी ड्रग्स हैं वो भी इसी वे में जो है अपना मैकेनिज्म एक्शन शो करती हैं, सो दीज ड्रग्स आर बेसिकली बैक्टीरियोसाइडल, दीज आर बैक्टीरियोसाइडल एंड द एक्शन ऑफ वैंकोमाइसिन इज टाइम डिपेंडेंट, इट इज टाइम डिपेंडेंट, ये आपको याद रखना है क्योंकि अलग अलग जो हमारे पास में ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है कुछ टाइम डिपेंडेंट एक्शन करती हैं एंड जो कुछ है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एक्शन शो करती हैं, ओके सो इफ यू आर लुकिंग ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ ग्लाइकोपेप्टाइड वैंकोमाइसिन, सो वैंकोमाइसिन बेसिकली जो है MRSA, मैथिलीसिलीन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस, MRSE, मैथिलीसिलीन रेजिस्टेंट स्टेफाइलो एंटेरोकोकाई एंड देन स्ट्रेप्टो विरिटेंस एंड स्ट्रेप्टो pneumonia and then further Clostridium difficile, okay, and then as well as they are also act against enterococci, okay, so this is basically their spectrum जहां पर कि हम इसको यूज कर रहे हैं, सो द इंपॉर्टेंट वन इज MRSA, MRSE एंड दीज आर सम अदर बैक्टीरिया जहां पर कि हम इसको यूज करते हैं एंड दिस इज द वन मोस्ट अनदर इंपॉर्टेंट दैट इज वी आर यूजिंग फ्रॉम क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल इंड्यूस इन्फेक्शन, तो सुपर इन्फेक्शन भी हो जाता है यहाँ पर, स्यूडोमोनास एंटेरोकोलाइटिस, सो वहां पर भी हम इसको यूज करते हैं, ओके सो नाउ लुकिंग फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, सो फार्माकोकाइनेटिक अगर पैरामीटर हम इसका देखेंगे सो फार्माकोकाइनेटिक में क्या है, इट इज रैपिडली एब्जॉर्ब, रैपिड एब्जॉर्ब एंड टी हाफ इज 6 to 10 hours, ओके एंड इट इज एलिमिनेटेड थ्रू रीनल रीजन, elimination renal route, okay, so it is eliminated via renal route. Now the next important thing is that ki jab agar ye isko hum dono hi route ke through dete hain, so route jo hai iska that is oral as well as IV. So mostly it is preferred from IV route and it is orally given for only for two kind of infections. So one is C. difficile infection and another one is streptoenterococcal इन्फेक्शन, सो इन दोनों ही इन्फेक्शन में हम ओरल देते हैं, रेस्ट ऑफ द अदर इन्फेक्शन लाइक MRSA और MRSE, इन सभी में हम इसको क्या देते हैं, आईवी रूट के थ्रू देते हैं. नाउ लुकिंग ऑन एडवर्स इवेंट्स
वैंकोमाइसिन आर कॉजिंग सम ऑफ द स्पेसिफिक एडवर्स इवेंट. सो दीज आर वॉट वी कैन लर्न इट बाय प्रोन. वी कैन लर्न इट बाय प्रोन. ओके सो पी आर ओ एन ई. ओके सो वॉट डज इट मीन पी आर ओ एन एंड ई प्रोन. दिस इज द ट्रिक. Through this trick we can learn it. Okay, so P is phlebitis, okay, site, it is the pain at the site of injection, pain at site of injection. Then Redman syndrome, Redman syndrome, okay, and then ototoxicity, and then nephrotoxicity. ओके सो वी कैन लर्न फ्लीबाइटिस. आप समझ गए होंगे फ्लीबाइटिस क्या है. जहां पर इंजेक्शन लगाते हैं तो वहां पर पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन. सपोज करिए ये इंजेक्शन है और अगर हमने यहां पर लगाया सो एट दिस साइट इसे हम फ्लीबाइटिस और वी कैन से थ्रोम्बो फ्लीबाइटिस. एंड देन द फर्दर इज रेडमैन सिंड्रोम. रेडमैन सिंड्रोम में आप देखिए ये मैंने बनाया है तो क्या हो जाएगा. इट इज बेसिकली अ inflammatory reactions. Okay, so this is we can say a Redman syndrome. Okay, so Redman syndrome mein kya hoga, there is a degranulation of mast cell. Kyun ho raha hai? Because of fast infusion of vancomycin ka bahut hi fast infusion hum kar rahe hain us wajah se ho raha hai. और सेकेंड रीजन दे कॉज डीग्रेनुलेशन ऑफ मास सेल का डीग्रेनुलेशन हो जाएगा. उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पूरी ही बॉडी में रेड रेड जो है स्पॉट्स हो जाएंगे. तो इसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, हाउ वी आर एबल टू ट्रीट इट. ट्रीटमेंट इज एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स आर द मोस्ट सुटेबल इन दिस केस. एंड अगर हम ऑटोटॉक्सिसिटी की बात करें सो ऑटोटॉक्सिसिटी देखिए जो ऑटोटॉक्सिसिटी है ऑटोटॉक्सिसिटी में यहां पर हमारे पास में कॉक्लियर टॉक्सिसिटी होगी. सो कॉक्लियर टॉक्सिसिटी इज परमानेंट. And it is permanent. Okay, and then we also have what a nephrotoxicity. So itself kidney जो है वो कह रही है कि vancomycin is a toxic for me. So it is also causing what nephrotoxicity. Clear? Now look how we are uses. What are the uses of this compounds. Okay, so we are using vancomycin for MRSE, okay, and Clostridium difficile induced infections. Okay, उसके अगेंस्ट में हम इसको यूज कर रहे हैं. एंड देन फर्दर स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन. स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन वहां पर भी हम इसको यूज कर रहे हैं. सो इन दोनों ही केस में
we are using it as a IV. Here, in this case, we are using oral formulation. Okay, so this is important कि हम वैंकोमाइसिन को कहाँ पर यूज कर रहे हैं, MRSA में यूज कर रहे हैं, MRSE में यूज कर रहे हैं, ओके, एंड क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल के इन्फेक्शन में यूज कर रहे हैं. क्लियर एवरीवन? सो दिस इज, सो नाउ लुकिंग ऑन द वेरियस ड्रग्स ऑफ ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, सो टीकोप्लेनिन, एंड देन वी हैव अ टेलावेनसिन एंड डेल्बावेनसिन एंड ओरिटावेनसिन. ओके, सो वी आर कंपेयरिंग दीज ड्रग्स. सो टाइकोप्लेनिन इज द अनदर कंपाउंड फर्दर डिस्कवर्ड, एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कंपाउंड, combination of, or we can say a mixture of multiple compound okay, and तो यहां पर जो है टाइकोप्लेनिन जो है फाइव कंपाउंड इसमें जो है टाइको A1 to A5 एंड टाइको R1 to R4, तो इस तरह के कंपाउंड का ये क्या है, मिक्सचर कंपाउंड है. ओके, अगर हम इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं, सो स्पेक्ट्रम जो है वो सेम है, बट इट इज यूज फॉर VRE, मींस वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटेरोकोकाई के जो इंफेक्शन है उसमें काम आ जाता है. सो इट इज यूजफुल फॉर VRE इंफेक्शन एज वेल एज इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर एंटेरोकोकाइस एंड MRSA and MRSE. एडवर्स इफेक्ट जो है मोर ओवर सिमिलर है टाइकोप्लेनिन के जैसे वैंकोमाइसिन के हैं. क्लियर? सो ADR प्रोफाइल इज सिमिलर एंड लेस है वैंकोमाइसिन से. और अगर हम यूजेस इसके देखते हैं, सो इट इज यूज फॉर VRE, MRSA एंड MRSE, एज वेल एज इट इज ऑल्सो यूज फॉर स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन. टेलावेनसिन को अगर हम देखते हैं, तो टेलावेनसिन जो है this is another novel compound and it is also a synthetic derivative. clear? इसका स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम भी जो है हमारे पास में, it is for VRE on MRSA, okay, and it has a T half is longer T half, okay, so almost 10 to 12 hours जो है long T half है, and ADR जो है that is specific one more is granulocytopenia. And it can cause foamy urine जो है इसकी वजह से form होता है. ठीक है, foamy urine आएगा. Rest of the other adverse event are like nausea, vomiting and headache. ओके, एंड अदर ADR प्रोफाइल इज लेसर देन वैंकोमाइसिन. ओके, सो वी आर यूजिंग इट फॉर VRE एंड स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन. As well as for like we are using them for like penetrating जहां पर भी joints में जहां पर जो pain हो जाता है infections की वजह से, so वहां पर भी हम इसको use कर सकते हैं. But these are the safer, these are the means drug for further use
जहां पर कि रेस्ट्रिक्टेड यूज है हम वहीं तभी यूज करेंगे जब कोई स्पेसिफिक सिचुएशंस आ जाएगी। डेल्पा और ऑरिटा वेंसन ये भी सिमिलर प्रोफाइल है, इट हैज अ सिमिलर प्रोफाइल एस टेलावेंसन। ओके, इसकी भी सिमिलर प्रोफाइल है, बट डेल्पा और ऑरिटा जो है इसको यूज जो हम करेंगे, जो एक प्रैक्टिकल डिफरेंस है, इट इज यूज फॉर वंस अ वीक, यूज फॉर वंस अ वीक। ओके, दोनों को ही वंस अ वीक यूज किया जाता है। तो डेल्पा और ऑरिटा में अगर हम प्रैक्टिकल डिफरेंस देखें, सो डेल्पा इट इज इन्फ्यूज्ड फॉर इन्फ्यूजन जो है फॉर इन्फ्यूजन एंड वी कैन से एडमिनिस्ट्रेशन फॉर 30 मिनट ड्यूरेशन एंड ऑरिटा इज इन्फ्यूज्ड फॉर 3 आवर्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। ओके, हेलो एवरीवन, नाउ डिस्कसिंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड ड्रग फ्रॉम ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक कैटेगरी। सो ए इज टीकोप्लेनिन वैंकोमाइसिन, सी इज टेलावेंसिन एंड फोर्थ डी ऑप्शन इज वैंकोमाइसिन। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन इन द लेक्चर, सो यू नीड टू वॉच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैंकोमाइसिन बैक्टीरियसाइडल एक्शन इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट, बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैंकोमाइसिन गिवन वाया ओरल रूट फॉर विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन। सो ए इज क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन, बी इज टॉक्सोप्लाज्मो गोनोडाई इन्फेक्शन, देन सी इज MRSA एंड डी इज MRSE। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोपेप्टाइड इज यूज्ड एज वंस इन अ वीक थेरेपी। ए इज वैंकोमाइसिन, बी इज टाइकोप्लेनिन, सी इज टेलावेंसिन एंड डी इज डेल्बावेंसिन। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन इज द ट्रू स्टेटमेंट फॉर रेडमैन सिंड्रोम इज ए इज वैंकोमाइसिन कॉज इट ड्यू टू फास्ट इन्फ्यूजन, B is degranulation of mast cell occur in Redman syndrome, C is antihistaminic drugs are drug of choice for treatment and D is all are the correct. Okay, so you need to answer every question in the comment box of the video. Okay everyone, so hopefully आपको जो मैंने ये vancomycin glycopeptide and इसके compound जो समझा है वो आपको समझ में आया होगा। इसके questions मैंने आपके साथ में दिए हुए भी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां जाकर आप क्वेश्चंस को पढ़ें और उनके आंसर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।